बात करेंगे लखनऊ की, जहां पर संसद के विशेष सत्र के चौथे दिन राज्यसभा में महिला आरक्षण पर वोटिंग हुई। वोटिंग में सभी सांसदों ने एक सुर में एक तरफा समर्थन दिया है। राज्यसभा में इस बिल के पक्ष में 214 वोट पड़े। यह बिल राष्ट्रपति के पास अब भेजा जा चुका है। उनकी मंजूरी मिलते ही ये बिल अब कानून में तब्दील हो जाएगा। वहीं लखनऊ में MKR न्यूज़ के संवाददाता आदित्य सैनी ने महिलाओं से महिला आरक्षण बिल पर बात की है, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है ये आपको सुनवाते हैं, आइए। किस तरीके से वो सोचते हैं, क्या जो अधिनियम आया है, जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम आया है, 33% आरक्षण महिलाओं को मिलने वाला है लोकसभा चुनाव में, और राज्यसभा में भी पास हो गया है, और अभी राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद उस पर कानून भी बनाया जाएगा, तो महिलाएं क्या सोचती हैं वो भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? मैं मिसेस मोनिका भुनवाल हूँ। अभी 33% आरक्षण का बिल पास हो गया है सदन में और राज्यसभा में भी पास हो गया है, तो किस तरीके से देखते हैं, क्या महिलाएं किस तरीके से खुश हैं? देखिए, हम इस अधिनियम का पिछले 25-26 साल से इंतज़ार कर रहे थे कि कब आएगा, और जो इस सरकार ने इस अधिनियम को पारित करके हम लोगों का मनोबल बढ़ाया है, उससे अच्छा और क्या हो सकता है। क्योंकि किस तरीके